नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, एक्सेल टू टैली ई कॉमर्स के अंदर बहुत ही बढ़िया अपडेट मैं लेके आया हूं। अभी क्या है अपना, जैसे GSTR 114A आ गया है ई कॉमर्स से रिलेटेड, आपका 3B में भी ई कॉमर्स से रिलेटेड चेंजेस हो गया है। तो मैंने भी अपने सॉफ्टवेयर में एक समरी ऐड कर दिया है, उसमें एक्सेल समरी करके, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और तो और उसमें आपका स्टेट वाइज डिटेल भी निकलेगा, अगर आप चाहें तो वहीं से आप स्टेट वाइज डिटेल निकाल के आपका GSTR 1 भी सबमिट कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ एंट्री वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। बाकी जो दोस्तों अपना एक्सेल टू टैली सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको कॉपी पेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा पोर्टल से डाउनलोड करिए और आप एंट्री इंपोर्ट करिए, इसमें आपका सेल्स, रिटर्न, सेटलमेंट सभी एंट्रीज कर सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी फास्ट तरीके से एंट्री हो जाता है। आपका टैली का कोई सा भी वर्जन हो, सबको सपोर्ट करता है और आपका लेटेस्ट टैली के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेल्स समरी करके एक सीट ऐड हो चुकी है अपनी। इस सेल्स समरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं GSTR 14A समरी करके आ रहा है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, GST का उसका डिटेल, IGST, CGST जो कुछ भी है। और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट वाइज सेल्स डिटेल भी आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कौन सा स्टेट है और कितने परसेंट GST वाला, जैसे आपका आंध्र प्रदेश 18%, आंध्र प्रदेश 12%, सेम जैसे आपका GSTR 1 टैली का निकलता है, सेम उसी तरीके का ये भी है। क्या उसमें टैक्सेबल वैल्यू है, क्या IGST, क्या CGST है, उसका टोटल क्या आ रहा है। तो ये तो अपना दोस्तों हो गया GST समरी से रिलेटेड, और साथ ही साथ इसमें आपका सेल्स से रिलेटेड भी डिटेल निकलता है कि आपने कितना टोटल सेल किया, कितना रिटर्न हुआ, आपका पुराना रिटर्न उसमें से क्या था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको अलग से मिल जाती हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर टोटल सेल की बात करूँ, यहाँ जैसे विथ टैक्स करके दिखा रहा है, तो ये आपका टोटल सेल हो गया आपका 15,75,000 का। इसमें टोटल रिटर्न आपका उस पर्टिकुलर मंथ में इतने का हो गया, इतने का अपना एग्जैक्ट सेल वहाँ पे निकल के आ रहा है। और इसमें अगर अपन विदाउट टैक्स अगर देखें, तो ये अपना विदाउट टैक्स का डिटेल हो गया कि विदाउट टैक्स अपना ये सेल हुआ, ये रिटर्न हुआ, ये अपना नेट सेल निकल के आ रहा है। अब इसी का अगर बाइफरकेशन करें, तो आपका नेट सेल हो गया इतने का, 14,51,000 का। इसमें आइटम का टैक्सेबल वैल्यू इतना है, शिपिंग चार्ज वगैरह इतना है इसके अंदर में, और इसका जो भी टैक्स रेट है ये है अपना टैक्स अमाउंट। और डिफरेंस अगर है कुछ, तो डिफरेंस वहाँ पे आपको ये भी बता देगा। अब इसमें अगर अपन करंट मंथ की सेल देख, अब दोस्तों जो मैं इसमें करंट सेल की बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना करंट मंथ का रिटर्न इतना हुआ है, ओल्ड मंथ का रिटर्न इतना हुआ है। यानी कि जो आपका रिटर्न होता है दोस्तों आपका करंट मंथ में, वो पुराने मंथ का भी उसमें कुछ रिटर्न रहता है। तो इसमें वो भी चीज़ अलग करके दिखा देगा आपको कि आपका पुराने मंथ का जो भी रिटर्न था वो कितना था, वो आपको अलग करके मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका नेट करंट सेल निकलेगा कि पर्टिकुलर आपने इस महीने में कितना सेल किया। तो यहाँ से आपका नेट करंट सेल निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ओल्ड मंथ का रिटर्न शामिल नहीं रहेगा। और वैसे ही आपका इसका करंट मंथ का डिटेल भी निकल जाएगा यहाँ पे कि आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, गिफ्ट शिपिंग चार्ज कितना है, टैक्स कितना है। तो ये डिटेल अपना दोस्तों एक समरी बन के निकलती है। इसको मैं काफ़ी दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ये एकदम प्रॉपर जाके फाइनल अपना ये सब कुछ बन पा रहा है। तो अब चलिए मैं इसमें आपको कुछ एंट्रीज करके दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें दोस्तों, आपके ये सभी प्लेटफॉर्म की एंट्री कर सकते हैं, वो भी मल्टी GST के साथ में, आपका सिंगल GST हो या मल्टीपल GST हो, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म इसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सी भी एंट्री हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे वाउचर टाइप बस चेंज करना है। परचेज लिख देंगे तो परचेज की एंट्री हो जाएगी, सेल्स की एंट्री हो जाएगी, रिटर्न वगैरह है जो कुछ भी चाहें, जर्नल की एंट्री भी चाहें तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, ग्लो रोड, ये सभी जितने प्लेटफॉर्म हैं, आजियो, जियो मार्ट, लाइम रोड, ये बहुत बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म हैं दोस्तों, सब यहां से डायरेक्ट आपके पोस्टिंग हो जाते हैं। मिंत्रा वगैरह सब कुछ है इसमें, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, आप पॉज करके देख लेना। और बाकी अगर आपके मल्टी GST हैं, तो यहां पे आपको मल्टीपल GST बस आपको डाल के रख देने हैं। जितने भी आपके GST हैं, यहां पे आपको लाइन से वो चीज़ें सब कुछ सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का यही काम है कि ये सबसे सिंपल तरीके से आपकी एंट्री कर दे, और बिना किसी एरर के। आपका GST में रिपोर्ट में कहीं कोई एरर कभी नहीं आएगा। इवन आप अगर मैनुअल एंट्री करेंगे तो आपका एरर आ सकता है, लेकिन इसके थ्रू अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका ना तो एक पैसे का डिफरेंस आएगा, ना तो कहीं भी GST के अंदर एरर आएगा दोस्तों। तो चलिए मैं एक फाइल आपको यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ। तो जैसे अपना ये रिव्यू व्यू बाकी टैब है, वैसे ही यहाँ पे एक लर्न वेल करके टैब है, इसी का अपन यूज करेंगे। कुछ बटन से यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्लियर बटन है, क्लियर करने से अगर यहाँ से पहले से कुछ लिखा रहेगा तो हट जाएगा। उसके बाद फिर लोड डेटा पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो भी आप एंट्री करना चाहें उसकी फाइल आप ओपन कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन की अपन करते हैं, तो अमेज़ॉन B2C B2B, उसका सेटलमेंट वगैरह की एंट्री सब हो जाएगी यहीं से। तो अभी मैं जैसे ये B2C सेलेक्ट कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे कॉपी करने बोलता है, अपने को कॉपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसको बस नो कर देना है। यहाँ पे आपका ये डेटा आके फिल हो जाएगा। अब अपने को इधर वाउचर शीट में आना है और यहाँ पे पिक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, अपना डेटा शीट से सारा का सारा डेटा इधर उठा के लेके आ जाता है। और अभी इसमें दोस्तों मैंने IRN नंबर वगैरह भी ऐड कर दिया है कि अगर आपको ई इनवाइस के साथ में एंट्री करनी है, उसका IRN नंबर डाल के एंट्री करना है तो आप उसको भी एंट्री कर सकते हैं। तो आपका IRN नंबर वगैरह साथ में एंट्री हो जाता है। तो IRN नंबर वगैरह अपना B2B वाले में आ जाता है तो उसको आप वहाँ पे डाल के एंट्री कर सकते हैं। तो अब ये अपना डिटेल, अपना इसने क्या किया है, डेटा शीट से पूरा पूरा डिटेल इधर इसने पिक कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा डिटेल आपका इधर उठा के सब कुछ ला लिया, इधर GST वगैरह सब कुछ आपका आ गया। इसमें भी आप चाहें तो कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये ओन वाउचर टाइप वगैरह है तो आप चाहें तो सेल्स की जगह अमेजोन सेल्स कर दीजिए। और क्रेडिट नोट की जगह भी तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अमेजॉन सेल्स भी कर दिया, क्रेडिट नोट भी कर दिया, दोनों जगह चेंज कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट बटन अपन पिक का यूज तो कर ही लिया, अपन नी नेक्स्ट बटन है दोस्तों वैलिडेट की। तो जब आप वैलिडेट करेंगे तो एक तो अपना यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है सारा GST का कैलकुलेशन, एक इनवाइस में कितने स्टॉक आइटम जाने हैं सारा कुछ इसी सीट में आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होके आता है इधर लास्ट में। तो ये सारे डिटेल इधर अपने आप ही कैलकुलेट होते हैं, इसमें आपको कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसके अलावा वैलिडेट करने से ये समरी वाली सीट भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपका जैसे अमेजॉन लिखा हुआ है तो जब आप उधर फ्लिपकार्ट का डेटा डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लिपकार्ट का डेटा उठाएगा और इधर फ्लिपकार्ट लिखा रहेगा। वैसे ही मीशो का करेंगे तो मीशो लिखा रहेगा, मिंत्रा का करेंगे मिंत्रा लिखा रहेगा, जियो मार्ट का करेंगे जियो मार्ट लिखा रहेगा। तो कोई सा भी आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा और उसी का डेटा इधर यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ये वैलिडेट हो चुका है। इसमें नेक्स्ट बटन है पोस्ट मास्टर की, अपन मास्टर पोस्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो कोई भी अपनी पुरानी कंपनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका डेटा चेंज नहीं करता, जो पुराना डेटा है आपका जो भी लेजर बने हैं उसी नाम से रहेगा, स्टॉक आइटम सब उसी नाम से रहेगा। ये सिर्फ वही आइटम क्रिएट करेगा, वही लेजर क्रिएट करेगा जो आपके टैली में नहीं बना रहेगा। ये पहले टैली में सॉफ्टवेयर चेक कर लेगा आपके, उसके बाद ही ये क्रिएट करता है। तो आप चाहे नई कंपनी बना के एंट्री करिए या आपके पुरानी कंपनी में एंट्री करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सही कुछ सही शॉर्ट एंट्री ही करेगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, ABC डेमो कंपनी करके। तो जो भी अपना स्टेट का नाम है वो सब आपको इधर डाल देना है, आपको GST वगैरह सब कुछ इधर फिल करके रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये दिल्ली कर्नाटका महाराष्ट्र तीनों का स्टेट डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ भी मेरे सॉफ्टवेयर में भी ये सभी डिटेल डले हुए हैं। और भी अगर आपके GST हैं तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा पिक हो गया, वैलिडेट हो गया। वैलिडेट होने के बाद में पोस्ट मास्टर करेंगे तो जो भी अपने मास्टर रहेंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। आपसे XML सेव करने बोलता है तो आप चाहें तो XML के थ्रू एंट्री करिए तो यस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पोस्ट करना चाहते हैं टैली में तो यहाँ पे नो कर देंगे तो ये डायरेक्ट टैली में पोस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों और ये टैली में मास्टर अपना पोस्ट हो गया, क्रिएट हो गया। तो जो भी आपके लेजर्स वगैरह रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखें अपन, तो ये जो भी लेजर्स हैं और जो भी स्टॉक आइटम वगैरह हैं वो सभी के सभी यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो इसमें आपका GST रेट वगैरह सब कुछ आ जाता है, टैक्सेबल वैल्यू वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अब उसका नेक्स्ट बटन है दोस्तों पोस्ट वाउचर करके, तो हम पोस्ट वाउचर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो XML सेव करिए या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी एंट्री हो जाएगी टैली के अंदर में। तो अब दोस्तों इसमें यहाँ पे डायरेक्ट आपने जैसे पोस्ट वाउचर पे क्लिक किया तो ये सभी सभी एंट्री आपकी पोस्ट होने लगेगी, टैली में आपकी पोस्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी इसमें ये आपको दो बटन्स दिख रही होंगी यहीं पे ही, स्टेट वाइज सिंगल एंट्री विथ आइटम, स्टेट वाइज सिंगल एंट्री विदाउट आइटम करके। तो अगर आप एक स्टेट की एक ही एंट्री करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक स्टेट की सिर्फ एक एंट्री होगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे जितने भी आपके इनवॉइस जनरेट हुए हैं उतने आप इनवॉइस की एंट्री कर सकते हैं। और इसमें साथ में दोस्तों ये टेम्पलेट वाउचर करके भी एक मैंने यहाँ पे सीट दे दिया है। तो टेम्पलेट वाउचर का यूज कैसे करना है, लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से सारा का सारा डिटेल करके उसमें दिखाया हुआ है, तो आप लास्ट वाली वीडियो आप जरूर देखना। तो टेम्पलेट वाउचर का यूज दोस्तों बेसिकली अपना जो भी टैली प्राइम 4 या उसके अपर वर्जन यूज करेंगे उनके लिए रहेगा, और बाकी अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करते हैं तो फिर ये दोनों बटन्स आपके लिए हो गई। तो यानी कि ये तीनों बटन्स जो है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट वाउचर, टेम्पलेट वाउचर, ये सभी टैली प्राइम 4 के लिए है। और साथ ही अगर आप ओल्ड वर्जन टैली का यूज करते हैं जिसमें टेम्पलेट वाउचर का ऑप्शन नहीं है तो उसमें फिर आप पोस्ट मास्टर, पोस्ट वाउचर वाली बटन्स को यूज करेंगे। अब ये कि दोस्तों क्या है, अपना ये लाइव पोस्टिंग करते रहता है तो आप यहाँ पर टैली में जाके लाइव पोस्टिंग भी देख सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर 800 समथिंग ये वाउचर्स की एंट्री हो चुकी है अपनी, और ये एंट्री अभी चल ही रही है। तो अब दोस्तों अपनी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है कि कुछ ऐसी एंट्री है जो नहीं हो पाई है, तो इसको अपन ओके करते हैं। तो ओके करने से सीधा यहाँ पे आ जाएंगे AOI कॉलम में, और यहीं पे अपने को एरर मिल जाएगा। अगर किसी भी एंट्री में कुछ एरर है तो एरर दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पे एक एरर आया नो एंट्रीज इन वाउचर करके, तो एक्चुअली ये कोई एरर नहीं है इसका। इसमें आपके जो भी जीरो अमाउंट वाली एंट्री रहेंगी, जैसे जो भी अपन इसमें एक्सचेंज में देते हैं ना सामान, उसमें आपका जीरो अमाउंट रहता है, तो वो उसमें बस दिखा रहा है कि नो एंट्रीज इन वाउचर। तो ये आपको ऐसे भी एंट्री नहीं करनी रहती है। बाकी अपनी एंट्री दोस्तों पूरी पूरी वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना अमेज़ॉन क्रेडिट नोट में आ गई सारी एंट्री, अमेज़ॉन सेल्स में आ गई। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चलूँ अमेज़ॉन के लेज़र में आपको दिखाऊँ, तो इस तरीके से कुछ अपनी एंट्रीज हो जाती हैं। अब इसमें आपका जो भी GST रहेगा उसका GST का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेट वगैरह सारा कुछ सब कुछ प्रॉपर तरीके से आ जाता है, और इसमें आपका बिल वाइज एंट्री हो जाती है। तो जब भी आप सेटलमेंट वगैरह की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपका बिल बाई बिल डिटेल भी एडजस्ट होते जाता है। अब अगर अपन चले यहाँ पर GSTR1 चेक करने के लिए, मैं इधर चले जाता हूँ GSTR1 में सीधा। तो अभी दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि अपना B2C स्मॉल में सभी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब अगर आप यहां पे देखें तो आपका GST रजिस्ट्रेशन वाइज आया हुआ, अगर आप मल्टीपल GST मेंटेन करते हैं तो सभी का यहां पे GST रजिस्ट्रेशन का नाम भी दिख रहा है, कर्नाटका महाराष्ट्र दिल्ली करके। और ये बाकी अपनी ये टोटल एंट्री आ गई, टोटल अमाउंट आ गया। अगर अपन टोटल अमाउंट की बात करें और यहाँ पर जो समरी जनरेट हो रही है उससे अगर अपन मैच करने की कोशिश करें, तो यहाँ मैं समरी में चले जाता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इधर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1256567.13 करके, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 1256567.13 आपका IGST 130787.95, IGST 130787.95, इधर आपका CGST और SGST 32236.44। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट अपना जितना एंट्री था सारा का सारा एंट्री इंपोर्ट हो चुका है। अब ये आपका मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन वाइज, अगर आपका सिंगल GST रहेगा तो आपका सिंगल वाइज आएगा। तो ये तो दोस्तों अपना हो गया B2C का, और सेम ऐसे ही अपन B2B का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना अपने को, डेटा शीट में आना है, इधर इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर लोड करेंगे, लोड करने के बाद अभी अपन ये B2B का सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वाउचर शीट में चले जाऊँगा, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ये भी हट जाएगा जो कुछ यहाँ लिखा रहेगा। अब यहाँ पे पिक करेंगे सीधा, अब आपका ये डिटेल यहाँ फिल होके आ चुका है। इसमें मेरा टैली अभी एजुकेशनल मोड में है, तो मैं इसका डेट अभी चेंज करूँगा, इसको भी मैं अभी 2 मार्च में ही रखता हूँ। अब इसमें जैसे एक कैंसिल वाउचर है, तो आप चाहें तो कैंसिल की भी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप कैंसिल को हटा भी सकते हैं। तो अगर आप कैंसिल की एंट्री करना चाहें तो सिर्फ यहां से स्टॉक आइटम का नेम बस हटा देंगे, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद यहां पे वैलिडेट करना है अपने को, वैलिडेट हो गया अपना। अभी इसमें वैलिडेट करेंगे तो इसकी भी आपकी यहां पे समरी जनरेट होके आ जाएगी। अब यहां पे आप देख सकते हैं अपना रिटर्न ज़्यादा हुआ है इसलिए माइनस में दिख रहा है, ठीक है। तो ओल्ड मंथ का ही रिटर्न है पूरा, यहाँ पर रिटर्न में ज़्यादा आ गया। तो ये सब चीज़ें भी आपकी चेक हो जाएंगी यहीं के यहीं, ठीक है। अब इसमें एक जो रिटर्न हुआ है दोस्तों वही अपना ये बड़ा अमाउंट है आपका 3000 रुपये समथिंग का, वही हो गया इसलिए वो अपना माइनस में दिख रहा है। पोस्ट मास्टर करेंगे, अपना मास्टर यहीं से पोस्ट हो जाएगा जो भी आइटम बचे हुए होंगे। उसके बाद फिर पोस्ट वाउचर करेंगे तो अपने वाउचर वहीं पे पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ये डायरेक्ट पोस्टिंग कंप्लीट करके आ गया। अच्छा, इसमें मैंने ये वाउचर टाइप नहीं चेंज किया, तो आप यहाँ पर सेल्स अमेज़ॉन सेल्स क्रेडिट नोट करके चेंज कर सकते हैं। अब इसको भी चलते हैं दोस्तों यहाँ पर GSTR1 में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या अपना रिपोर्ट में क्या पोजीशन है। अपना B2C वाला तो आ गया था पूरा एग्जैक्ट, अब B2B वाला भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ, मैंने मार्च में सभी एंट्रीज डाल कर रखी है। तो अब दोस्तों इसमें अपनी बाकी एंट्री तो आ गई, जैसे B2B इधर दिखा रहा है अपना, एक अपनी ये क्रेडिट नोट वाली एंट्री यहाँ पर आ रही है, और एक एंट्री अपनी रह गई यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। तो ये इसको देख लेते हैं, ठीक है, मिसमैच ड्यू टू अमाउंट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 पैसे का जो एरर आएगा अपना, 1 पैसे का डिफरेंस वाला, तो इसको एक्सेप्ट कराना रहेगा। तो एक्चुअली ये 1 पैसे का डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि इसमें पॉइंट में जो भी कैलकुलेशन होता है तो डेसिमल के 3-4 डिजिट तक हो जाता है, लेकिन टैली अपना 2 डिजिट तक ही एंट्री एक्सेप्ट करता है, तो उसकी वजह से 1 पैसे का जाता है, तो अपने को एक्सेप्ट कराना है उसको। अब आप यहाँ पर देखें अगर, तो इसमें आपका GST नंबर के साथ साथ ही सारा का सारा डिटेल आ रहा है, इधर पार्टी का नेम उसका सारा डिटेल आ गया, और इंटर करेंगे तो अपना ये वाउचर ओपन हो गया। अब ये वाउचर में यहाँ पर ये सारा डिटेल आता है, यहीं से आपका जाता है उधर GSTR1 रिपोर्ट में। तो इस तरीके से अपनी एंट्री होगी दोस्तों B2C B2B की, और यहाँ पे आपका सारा डिटेल भी आ गया।
अब ऐसे ही सेम आप सेटलमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं। अब ये तो अपना सेल्स और रिटर्न का हो गया, सेटलमेंट की एंट्री करने के लिए सेम वही प्रोसेस दोहराना रहता है। तो यहाँ डेटा शीट में गए, यहाँ पे क्लियर किए इसको, अब की बार लोड करेंगे तो अभी ये सेटलमेंट शीट सेलेक्ट करेंगे तो आपका नोटपैड फाइल भी ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे अपना सेटलमेंट का डेटा भी आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पे अमेज़ॉन सेटलमेंट वाली सीट में यहाँ पे आ जाना है और इसके थ्रू इसको पहले क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे पिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अपना ये डेटा आ चुका है, इसमें भी सेम यहाँ पे वैलिडेट बटन को यूज करना है, वैलिडेट करेंगे। इसका भी डेट मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा टैली जो है वो एजुकेशनल मोड में है, बाकी आपको डेट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा पोस्ट कर सकते हैं। अब इसको भी अपन यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब इसमें आ गया रिसिप्ट पोस्टिंग कंप्लीट करके ओके करेंगे आप तो फिर ये नेक्स्ट IGST जर्नल के लिए पूछेगा, फिर IGST हो जाएगा, फिर ये CGST जर्नल के लिए पूछेगा। तो इस तरीके से आपका इसमें रिसिप्ट की पोस्टिंग, IGST की पोस्टिंग, CGST से रिलेटेड पोस्टिंग, ये सभी पोस्टिंग्स अपनी वहीं से वहीं हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर चलूँ आपको अमेज़ॉन के लेज़र में इसको दिखाऊँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में एंट्री आ गई अपनी, ये रिसिप्ट करके और दो जर्नल करके। अगर रिसिप्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें आपका बिल वाइज डिटेल आता है, तो आपका जितने भी बिल का पैसा रिसीव हुआ होगा वो आ गया, और प्लस इन्होंने जो भी होल्ड अमाउंट रिलीज किया वो आ गया अपना डिटेल। और ऐसे ही सेम इसमें आपका जर्नल वाली एंट्री भी आ जाएगी, तो ये आपका जो भी इन्होंने चार्ज वगैरह काटा हुआ है CGST SGST से रिलेटेड हो गया अपना, इसमें भी आपका बिल वाइज डिटेल आ जाता है। और सेम वैसे ही आपका यहाँ पे IGST से रिलेटेड, तो इसमें आपका TCS TDS वगैरह आ गया, और जो भी इन्होंने IGST से रिलेटेड चार्ज वगैरह काटा हुआ है उसका डिटेल आ गया। दोस्तों इस तरीके से अपनी एंट्री हो जाती है। अब इसमें आप बिल वाइज डिटेल करके देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो पेंडिंग है जिसका अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है। और सेम ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का या मीशो का, मिंत्रा का, आजियो मार्ट का, किसी की भी एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट का इधर लेके आऊँ, इसको मैं इधर नो कर देता हूँ, ये अपना आ गया, इधर मैं वाउचर में आया, इसको क्लियर किया, यहाँ पे पिक किया, ये अपना डिटेल फिल हो गया वाउचर शीट में। अब मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा, यहाँ पे वैलिडेट अपना हो जाएगा। तो वैलिडेट होने के बाद में इधर आपका समरी जनरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना इधर ये फ्लिपकार्ट इंडिया लिख के आ रहा है, ये सारा डिटेल अपना फ्लिपकार्ट से रिलेटेड अपना यहाँ पे आ गया, फिल हो गया। अब इसका भी एंट्री आप यहाँ से पोस्ट कर देंगे, पोस्ट मास्टर पोस्ट वाउचर आपकी एंट्री हो जाएगी। सेम इसका भी कैशबैक की एंट्री करेंगे, सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना, इसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से अपने को एंट्री करनी है, पूरा डिटेल के साथ में सभी प्लेटफॉर्म का बताया हुआ है। और अगर दोस्तों अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।